टाइटैनिक के मलबे की सैर कराने वाली कंपनी ओशन गेट ने अपने सभी कमर्शियल ऑपरेशंस को बंद करने का ऐलान किया है। इसी कंपनी के टाइटन पनडुब्बी में अटलांटिक सागर में विस्फोट हुआ, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी 18 जून को अपने सफर पर निकली थी, लेकिन शुरुआती 2 घंटों में ही पनडुब्बी का ऊपर मौजूद उसके जहाज पोलर प्रिंसेस संपर्क टूट गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर खोजी अभियान चलाया गया। 2 दिन बाद पनडुब्बी में धमाका होने और सभी लोगों के मौत की खबर सामने आई थी। मारे गए लोगों में कंपनी के CEO स्टॉकटन रश भी शामिल थे। हमने सभी तरह के खोज और कमर्शियल ऑपरेशन को निलंबित करने का फैसला किया है। हादसे की अभी भी जांच चल रही है और कंपनी पूरा सहयोग कर रही है। इस हादसे में मारे जाने वालों में पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग और फ्रेंच उद्योगपति पॉल हेनरी भी शामिल थे। आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज साल 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकरा गया था और डूब गया था। ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी $2.5 लाख लेकर पर्यटकों को टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए ले जाती थी, लेकिन पिछले महीने पनडुब्बी हादसे की शिकार हो गई। तभी से अमेरिकी कंपनी ओशन गेट पर सवाल उठ रहे थे और आखिरकार कंपनी ने अपने खोजी और कमर्शियल ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।